ये आकाशवाणी है। अब आप शुभ्रा शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जापान यात्रा के दूसरे दिन आज क्योतो में सुप्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध मंदिर तोजी और किंकुरजी गए। उन्होंने वहां पूजा अर्चना की और पर्यटकों तथा अन्य लोगों से बातचीत की। श्री मोदी ने अपने दिन की शुरुआत यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल तोजी मंदिर में पूजा उपासना से की। उनके साथ जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी थे। श्री मोदी ने मंदिर में साथ आने और समय बिताने के लिए श्री आबे को धन्यवाद दिया। जापान के प्रधानमंत्री श्री मोदी से मुलाकात के लिए विशेष रूप से टोक्यो से क्योतो आए। क्योतो बौद्ध संघ द्वारा आयोजित दोपहर भोज में श्री मोदी ने कहा कि क्योतो शहर प्राचीनता और आधुनिक प्रौद्योगिकी का संगम है। उन्होंने कहा कि भारत की भी ऐसे शहर विकसित करने की योजना है। दोनों देशों ने कल वाराणसी और क्योतो के बीच विरासत संरक्षण और शहर के आधुनिकीकरण में सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। प्रधानमंत्री का कल टोक्यो में आकासाका महल में रस्मी स्वागत किया जाएगा। वे जापान के प्रधानमंत्री के साथ औपचारिक बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने क्योतो में बताया कि श्री नरेंद्र मोदी ने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित क्योतो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर यामानाका से बातचीत की। पाकिस्तान में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के और उग्र होने की आशंका के मद्देनजर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लाहौर स्थित आवास की तरफ जाने वाली सड़कों को बंद कर दिया गया है। श्री शरीफ फिलहाल इसी आवास में हैं। इमरान खान और मौलाना ताहिर उल कादरी के समर्थकों पर कल रात इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर लाठीचार्ज के बाद ये फैसला किया गया। पुलिस की गोली से एक महिला की मौत हो गई और 350 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लाहौर पुलिस ने आज तड़के प्रधानमंत्री आवास की ओर जाने वाली रायविंड सड़क पर अवरोध लगा दिए हैं। सत्तारूढ़ पीएमएल नवाज पार्टी के सूत्रों ने बताया कि श्री शरीफ को आशंका थी कि प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद के प्रधानमंत्री आवास की घेराबंदी कर सकते हैं। इस बीच लिबर्टी चौक और माल रोड पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़पें हुई। इसमें घायल हुए आधा दर्जन प्रदर्शनकारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। अधिकतर बड़े कारोबारी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कामकाज के तौर तरीके में साफ तौर पर फर्क महसूस कर रहे हैं। इन कारोबारियों का मानना है कि नई सरकार में जवाबदेही और काम को अमली जामा पहनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। एसोचैम ने केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया इंक के सर्वेक्षण में 10 में से 8 अंक हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि इसी कारण विदेशी संस्थागत निवेशक भारत को उच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। प्रसिद्ध लेखिका और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता मृदुला सिन्हा को आज गोवा के राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई गई। श्री बीवी वांचू के त्यागपत्र के बाद उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है। बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहित शाह ने श्रीमती सिन्हा को पद की शपथ दिलाई। दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली की एक अदालत को बताया कि नशीले पदार्थ खिलाकर प्रेमिका के साथ दुष्कर्म के मामले में लोगों को संजीदा बनाने के लिए नए दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। आयोग ने दुष्कर्म के मामले में पिछले वर्ष के उस फैसले के संदर्भ में अदालत में रिपोर्ट पेश की है, जिसमें इस बात पर चिंता प्रकट की गई थी कि महिलाओं को नशीला पदार्थ खिलाकर उनके साथ दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अदालत ने इस पर जोर दिया कि ऐसे पदार्थों के बारे में लोगों को जागरूक बनाने की जरूरत है। राजस्थान के पाली जिले में आज सवेरे एक बस और ट्रक की जबरदस्त टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई और 28 घायल हो गए। ये सभी उदयपुर के उथरथला के रहने वाले हैं और पश्चिम राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा रामदेवड़ा के दर्शन करके लौट रहे थे। ये हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 65 पर हुआ। संयुक्त अरब अमारात में शारजा में फीडे महिला शतरंज ग्रांप्री में आज छठे दौर के मैच होंगे। भारत की कोनेरू हम्पी चीन की शाओ शुए के साथ और हरिका द्रोणवल्ली तात्याना कोसिनेत्सेवा के साथ खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।